वादा को टूट जाता है। बिल्कुल इंतजार कीजिए, वादा नहीं कीजिए, वादा हमेशा टूट जाता है। अब बिहार के शिक्षा मंत्री क्या करेंगे, उनकी वादा भी नियोजित शिक्षकों से किया हुआ वादा टूट सा गया है। अब शिक्षक भी कहने लगे हैं कि चाय से ज़्यादा प्याली ही गर्म नजर आती है बिहार शिक्षा विभाग के वादे और आदेश। आदेश फरमान का सख्ती से पालन शिक्षकों पर तब हुआ करती है जब शिक्षकों में भय दिखाना, लेकिन शिक्षकों के कल्याण के लिए कुछ कार्य हो तो वादा भी फेल कर जाता है। मैं बात करना चाहूंगा बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने एक बयान में कहा था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला को लेकर जुलाई में वेब पोर्टल लॉन्च हो जाएंगे और सारे काम पूर्ण कर लिए जाएंगे। ऐसे तो यह वादा जनवरी माह से ही किया जा रहा है कि जनवरी माह के फर्स्ट वीक में, फरवरी माह के अंतिम वीक में, मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में, अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में, मई के प्रथम सप्ताह में और जून में तो कंप्लीट ही बात की गई थी, लेकिन वादा फेल होता गया। जुलाई में, जुलाई के प्रथम सप्ताह से वेब पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड करने का और तबादले की प्रक्रिया शुरू करने का वादा भी बिहार के शिक्षा मंत्री का फेल हो चुका है। ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग तबादला नहीं करना चाहती है, चाहती है, लेकिन बीच में कई सारी समस्या, बार कोरोना, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि कोरोना तो मात्र एक बहाना है। जब निगरानी वेब पोर्टल पर कोरोना काल में दस्तावेज लोड हो सकते हैं तो नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर आवेदन क्यों नहीं लिया जा सकता है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बोल। मैं आज शिक्षा मंत्री के वादे को इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि लगातार हमारे व्यूअर्स जो नियोजित शिक्षक भी हैं, नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक के रूप में हमारे पास फोन करते हैं कि सर हम लोग का तबादला कब। खासकर वैसे शिक्षिकाओं का फोन मेरे पास आ रहे हैं जिनका मायके से ससुराल बहुत दूर है, जिसकी परिवार की स्थिति बिगड़ती जा रही है, दूर होने के कारण ना तो वो अपना समय ससुराल में बेहतर दे रहे हैं और ना बच्चों के बीच वह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके लालन पालन पर भी ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल स्कूल तो बंद के बराबर ही हैं, लेकिन जब स्कूल चालू थी, खुली हुई थी, उस समय की स्थिति इनके पास में बहुत ही दयनीय थी। हमेशा वे परेशान नजर आते, अपनी परेशानियों की बात भी शेयर की और कहने लगी कि सर अगर यह स्थिति बरकरार रही तो लगता है कई लोगों की ऐसी स्थिति बनाई है कि किसी एक को चुनना हो, चाहे तो तुम अपनी नौकरी को चुनो या फिर ससुराल को चुनो, स्थिति गंभीर। सपने इतने दिखाए गए, इतनी ऊंची उड़ान उड़ाने की कोशिश की गई कि अब बेटियां जिनकी विवाह हो गई है अब उनकी डोली ससुराल के लिए जाएगी। बिहार सरकार सोच ली है कि निश्चित तौर पर शिक्षिकाओं को, नियोजित शिक्षिकाओं का तबादला उनके ससुराल के निकट कर दिया जाएगा। अब उन्हें अच्छा भी लगने लगा था कि अब तो हमें जो भय बना हुआ था, हमारे पास जिसकी शंका थी, अब सभी अरमान पूरे होने जा रहे हैं। मैं अपने बाल परिवार के समीप चला जाऊंगा, अपने पूरे परिवार के साथ जीवन बिताऊंगी, स्कूल के कार्य में भी अपना बेहतर कार्य कर सकूंगी, लेकिन वह सपना लगातार चकनाचूर होते जा रहे हैं, होते रहे हैं, वादा हमेशा फेल होता जा रहा है। मैं याद दिला दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कई बार वादे किए और फेल भी हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वादा किया कि जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह से वेब पोर्टल पर तबादला को लेकर आवेदन लिए जाएंगे। नियम भी बनाए गए किन किन शिक्षकों को इसमें हिस्सेदारी होगी,
अप्रशिक्षित शिक्षक इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। जिनकी निगरानी में जांच चल रही है वो इसमें हिस्सेदारी न लेंगे। और कई नियम जो आप जानते हैं, सब नियम को मानते हुए पालन करते हुए शिक्षक चाह रहे थे कि हमारी तबादला हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उनकी सपना चकराचूर। आखिर बिहार सरकार या शिक्षा विभाग या बिहार के शिक्षा मंत्री नियोजित शिक्षकों के सपनों के साथ अक्सर ही क्यों खेला करते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न। आखिर कब होगा तबादला? तमाम कार्य हो रहे हैं। अब तो कोरोना की अगर बात करें, कोरोना काल की बात करें, कोरोना संक्रमण की बात करें, तो आप तो सभी चीज खुल गए। आज से विद्यालय भी 9वीं-10वीं की खुल चुकी है। 16 अगस्त से सभी सरकारी और निजी विद्यालय भी 1वीं से 8वीं तक खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल और मॉल भी खोले जा रहे हैं, बाजार भी खुल गए हैं, ठेलम ठेल भीड़ है। बसों की स्थिति आप जानते हैं कि ठेलम ठेल भीड़ है। तो फिर बिहार में बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? क्यों सरकार हमेशा उनके सपनों के साथ, उनके जिज्ञासा के साथ खेल रही है? क्यों ऐसा होते जा रहा है? इस प्रश्न का जवाब शिक्षक चाहते हैं। हमेशा आवाज उठाई जा रही उनकी तरफ से कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब होगा हमारा तबादला? आखिर एक छोटी सी तबादले के लिए जिसमें कोई आर्थिक खर्च नहीं लग पाता, कोई सरकार को आर्थिक लॉस होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? प्रश्न तो जायज है, लेकिन इस जायज प्रश्न का, सवाल का जवाब कौन दे? जितने भी लोग देते आए हैं, तत्काल तो लगता है कि उनका वादा पूरा हो जाएगा, लेकिन उस वादे का भी क्या करना जो हमेशा फेल होते आए। हमारे पास भी व्यूअर्स शिक्षकों की फोन आती रहती कि सर आपने बताया था अपने वीडियो में कि इस सप्ताह में हो जाएगा, उस सप्ताह में हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा, लेकिन आप नहीं, फेक न्यूज आप देते हैं। तो हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि मगर समाज पर चलने वाली कोई भी न्यूज फेक नहीं होता। जब तक मीडिया में वो बातें नहीं आती है, किसी का बयान नहीं आता है, तब तक हम उस खबर को अपने चैनल पर नहीं लाता। जो भी शिक्षा विभाग से खबरें निकल कर आती है, पत्र निकलते हैं, सोशल मीडिया की बात ना करके अगर अखबारों में खबर छपती है, उन तमाम खबरों को लेकर हम अपने व्यूअर्स को लेकर खबरें बनाते हैं। तो व्यूअर्स जानते हैं कि अपने चैनल पर फेक न्यूज नहीं आता, बल्कि जो न्यूज आता है निकल कर, यह तो सरकार का खेल है। यह कैसा षड्यंत्र का खेल है? आखिर सरकार शिक्षकों के साथ साजिश क्यों कर रही है? साजिश का शिकार शिक्षक हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं अपने। जब शिक्षा विभाग वादा करती है, अगर शिक्षा मंत्री वादा करते हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में हो जाएंगे, तो अपने परिवार से भी लोग वादे कर देते हैं, नियोजित शिक्षक वादे कर देते हैं कि जुलाई में हम आ जाएंगे अपने घर के नजदीक, सभी बच्चों का हम ख्याल रखेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। महिलाएं भी दिलासा देते हैं, अपने मैं ससुराल चले जाऊंगी, लेकिन बार बार इनके वादे फेल होने से उनके घर में अहमियत भी कम हो रही है। कि हमेशा कहती है कि हम चलाएंगे, कब आओगी, ऐसी नौकरी क्यों कर रही हो, छोड़ दो, बहुत सारी मजबूरियां हैं। इस मजबूरी को सरकार को समझनी चाहिए, बिहार के शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए, बिहार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को समझना चाहिए, पदाधिकारियों को समझना चाहिए, आखिर कहां पर यह फोल्टा जा रहा है। अरे जिन शिक्षक आपके नियमों को फॉलो करते हुए अपना आवेदन करना चाहते हैं, उन शिक्षकों को भी तो कम से कम मौका मिले। आपको यह भी हम बता दें कि बिहार के पुरुष नियोजित शिक्षकों के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग ने कहा था कि सारी कटघरिया को फुल फिट फुल करते हुए यह नियम बनाया गया है कि दिव्यांग और महिला शिक्षकों का ही तबादला होगा, पुरुष शिक्षकों का पारस्परिक तबादला होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उथल पुथल विभाग में मच जाएगा। और उन्होंने कहा था कि शिक्षिकाओं को प्रिफ्रेंस देने का है, कि हमेशा संविधान में भी यह नियम है कि प्रिफ्रेंस जिनको चाहिए उनको मिलना चाहिए। चलिए उससे भी शिक्षक या शिक्षिकाएं नाराज नहीं हैं कि शिक्षकों के द्वारा ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपनी हक की मांग हर कोई करना चाहता है। शिक्षकों के द्वारा भी आवाज उठाई गई, तो कोई गलत नहीं किया गया, सोचा गया कि महिलाओं के साथ, दिव्यांगों के साथ मेरा भी तबादला हो जाए। यह महिलाओं के साथ ही केवल दिक्कत नहीं, पुरुष शिक्षकों के साथ में भी दिक्कत है। तमाम लोगों के लिए एक बार मौका मिलना ही चाहिए कि जो चाहते हैं वह ट्रांसफर उनका होगा, मनचाहा ट्रांसफर, जो नहीं चाहते हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे।
तो एक बार ऐसी मौका मिलने चाहिए, अंतर जिला ट्रांसफर होनी चाहिए, जो जहां जाना चाहते हैं वहां जाना चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल इधर से उधर कमियां होगी, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उसका अगर इसी के साथ अगर हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने पर शिक्षकों की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की मांग है कि सरकार एक बार ही सही बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला जरूर करे। साजिश का शिकार शिक्षक होते आ रहे हैं, अब क्या कारण बन रहा है, बीच में क्या समस्याएं आ रही है, शिक्षा विभाग इससे भी शिक्षकों को अवगत कराए। शिक्षक हर तरह से तैयार है, चाहते हैं केवल कि हमें हर परिस्थिति में तबादला हो, हर आपके आदेश का पालन होता है। आखिर चाय से ज्यादा प्याली गर्म क्यों, वादे हमेशा क्यों टूट रहे हैं। एक तबादला छोटी सी जिसमें कोई आर्थिक लॉस सरकार की नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जब उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया था तो बोला था कि जितने भी ऐसे काम हैं जिसमें आर्थिक मजबूरियां नहीं है उनको शीघ्र निपटारा कर लिया जाए। लगा था शिक्षकों को कि अब हर काम का निपटारा बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आने से हो जाएगा, लेकिन वादा तो टूट जाता है, वादा टूट गया। अब अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त के आज 7 तारीख है, अब भी कहा जा रहा है कि अगस्त में तबादला होगा, लेकिन कब होगा। सितंबर महीने से बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत, फिर भी शिक्षक कह रहे कि पंचायत चुनाव करा लीजिए लेकिन आवेदन तो ले लीजिए। दर्द उन शिक्षकों को भी है जो दिव्यांग पहले से नहीं थे और दिव्यांग बाद में हुए, लेकिन सरकार ने अपने नियम के अनुसार बताया कि वैसे दिव्यांग शिक्षक ही आवेदन करेंगे जो पहले से दिव्यांग है, जिस दिव्यांग कोटि पर अगर बहाल हुए हैं तब वो आवेदन करेंगे। साहब दिव्यांगता कोई छुपाने की चीज नहीं है, जो दिव्यांग है उनको कोई लाइसेंस दिखाने की, कोई आवेदन दिखाने का, कोई प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं होगी। तमाम दिव्यांगों को मौका तबादला का मिलना चाहिए, और खासकर जो बाद में दिव्यांग हुए हैं उनकी भी लाचारी को समझा जाए। बहुत सारे शिक्षक जो हैं किसी दुर्घटना में वह दिव्यांग हो गए और वो चाहते हैं कि हम अपने घर के नजदीक चले जाएं, कितनी मजबूरी है उनके साथ, किसी का पैर कट गया है, कुछ हो गया है और उनको तबादला का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनका भी मांग। कल हमें एक शिक्षक ने भी फोन किया कि सर दिव्यांग शिक्षकों पर आवाज उठाइए जो बाद में दिव्यांग हुए हैं, सरकार का कहना है कि नहीं जो दिव्यांग कोटि पर बहाल हुए उन दिव्यांगों की ही तबादला होगी, लेकिन हम दिव्यांगों को भी मौका मिलना चाहिए जो बाद में दिव्यांग हुए हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए, उनका मांग जायज है और सरकार से मांग भी उनके लिए कर रहे हैं, वह कर रहे हैं आपसे मांग, वैसे दिव्यांग शिक्षक जो बाद में दिव्यांग हुए कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। फिलहाल निश्चित तौर पर अगर कोई और मैसेज शिक्षा विभाग से निकल कर तबादला को लेकर आता है तो हम आपके बीच आएंगे और बताएंगे, लेकिन यह एकदम कन्फर्म हम बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर लेट ही सही लेकिन तबादला होगा। कहा गया है देर है अंधेर नहीं है, तो देर होगा लेकिन अंधेर नहीं, तबादला होगा। आप अपने नजदीक घर के नजदीक जाएंगे और आपको खुशियां मिलेगी, आप भी खिलखिलाकर हंसने लगेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल आप मुस्कुराते रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए क्योंकि हमेशा आपके लिए आवाज उठाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।